शहर की एक समाजिक संस्था एक पहल वेलफेयर सोसाइटी वालों दो हफ्ते पहला जिहड़ा पानी का मुद्दा बरमले पिंड में चुकया गया सी, उस मुद्दे नू अज एक वड्डी कामयाबी मिली है। बरमले पिंड दे विच एक खूह तो 35 तो 40 घर पानी सप्लाई किया जाता सी, ते खूह की हालत बड़ी दर्दनाक सी, जिस दे विच खूह दे विच उते लगे हुए मोटर का डीजल पैंदा सी, ते पानी जहरी हो रहा सी, ते इस तो अलावा खूह नंगा सी, जिस करके उस दे विच बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट मिल रहे सी, ते लोकां नूं गंदा पानी पीण नूं मिल रहा सी। गौरतलब है एक पहल वेलफेयर सोसाइटी की महिला विंग ने जदों इस मुद्दे नूं चुकिया तो उस तो बाद स्पीकर साहब ने ते प्रशासन ने इस दे उत्ते गौर कीता ते टीम भेज के उसका काम शुरू करवाया। तो अज सुनते हैं कि एक पहल वेलफेयर सोसाइटी की प्रधान सपना चंदेल ने की कहा। नमस्कार, मैं सपना चंदेल, प्रेसिडेंट एक पहल वेलफेयर सोसाइटी महिला विंग। हमारी संस्था ने 15/9/2020 को भरमले गांव में ये जो पानी का मुद्दा उठाया था, आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि राणा जी के कहने पर कौंसिल के अधिकारियों ने इस कुएं को एक जाल से ढक दिया है और ईंधन भी थोड़ा पीछे लगा दिया है कि जो ईंधन का जो तेल है वो पानी में मिक्स ना हो। मैं स्पीकर राणा जी से विनती करती हूँ, हमारी संस्था उनसे विनती करती है कि जो ये भरमले गांव में बूंद बूंद पानी आ रहा है लोगों को, उनकी यह बहुत बड़ी समस्या है। मैं राणा जी से कहती हूँ कि उनको जल्द से जल्द एक टंकी लगा के दी जाए कि उनकी पानी की जो समस्या है वो खत्म हो जाए। मैं राणा जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि अभी तक उन्होंने ये जो काम कराया है उसका हमारी संस्था बहुत ही खुश है। बस हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो टंकी लग जाए। धन्यवाद। जदों असी बरमला वासियां नाल गल कीती तां उह इस कदम तो खुश दिख रहे ने, पर उह इह वी कहिंदे ने कि हाले पानी की समस्या ज्यों तो ज्यों चल रही है, लोगों को पूरा पानी नहीं मिल रहा, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के बरमले पिंड दे विच टैंकी बन के इस समस्या दूर होवेगी। एक पहल टीवी नंगल, प्रवीण कुमार।